राधे राधे टू एवरीवन। और आज मिला है मुझे बहुत दिन बाद थोड़ा सा टाइम, और इस टाइम में मैं करूँगी मेरे प्रभु की चर्चा, मेरे श्री हरि की चर्चा। और मैं श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है उसका विशेष श्लोक उसके बारे में बात करूँगी। और चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लें, या आप भागवत महापुराण पढ़ लें, या रामचरितमानस पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई भी एपिक, कोई भी ग्रंथ, कोई भी बुक पढ़ लें आप, लेकिन सबका एक ही हर बुक हमें एक ही चीज़ बताती है, और वो है श्री हरि की शरण। अब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के पैर पसारे सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होए, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि मेरी शरण में आ जाओ। भगवान बार बार कहते हैं, अब देखिए अर्जुन को ही देखिए, तो अर्जुन को सब कुछ आता था, वो एक अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसने भगवान की शरण ली और वो उस युद्ध को जीत पाया, क्योंकि भगवान ने अपने तरीके से कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, भगवान उसके सारथी बने, और जहाँ उन्हें जैसा भी लगता था डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट या ट्रिक के थ्रू, तो भगवान ने उसकी हेल्प करी। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम हमेशा एक जैसे तरीके से नहीं चल सकते, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे टर्न आते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे क्रॉसवेज आते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, तब हमें कृष्ण की आवश्यकता होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और उसका एक श्लोक, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, तो सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं उनका क्या करूंगा। तो कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मम श्रुच। तो यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करवाऊंगा। और वो तो ये भी कहते हैं कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपाशते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यम। तो मतलब कि यानी कि तुम जो है अनन्य भाव से अगर मेरा चिंतन कर रहे हो, तो तुम्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी, किस प्रकार से तुम्हारा भरण पोषण होगा या किस प्रकार से तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, तो ये मैं सब निश्चित करूंगा, मैं सब डिसाइड करूंगा, सारी प्लानिंग वो खुद करेंगे, और आप देखते जाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, आप एक बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भगवान की शरण। सबसे ज़्यादा ये संसार जो है दुखालय है, और यहाँ पर भगवान की शरण ले लेना, सबसे पहले आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं। अगर आप हम बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार एक माँ होती है, तो माँ अपने सबसे छोटे बच्चे या फिर जो उसका बच्चा थोड़ा बेवकूफ़ सा होता है या जिसको बुद्धि कम होती है, बॉडम सा, तो माँ उसकी चिंता सबसे ज़्यादा करती है। जिनको अकल है, नॉलेज है, जो धनवान है, वो तो अपने से संभाल लेंगे, लेकिन जो एक मूर्ख है या जो नहीं जानता, सरल है, अनजान है, इस दुनिया की चालाकियों से अनजान है, तो भगवान उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो पिता हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, उन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, वो ही सबसे छोटे हैं, एक छोटी चींटी उसके अंदर भी परमात्मा है, यानी कि परमात्मा का वास है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। तो भगवान बताते हैं, छोटी चींटी के अंदर भी भगवान है, और एक बड़ा पहाड़, चंद्रमा, सूरज, जो भी आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड, सारी दुनिया, पूरा सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो उसके बाद भी भगवान जो है अपने भक्त के लिए, उनकी भावनाओं के लिए भगवान जो है बालक बन जाते हैं। अब देखिए, यशोदा के लिए पुत्र बन जाते हैं, यशोदा क्या है, एक भक्त हैं, कुंती क्या है, एक भक्त हैं, तो इन भक्तों के लिए भगवान कितने सरल हो जाते हैं। और यही सब श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, भगवान कहते हैं कि तुम केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। एक और श्लोक है, जब पूरी गीता, श्रीमद् भगवद गीता का जो भी उपदेश है भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को संजय सुन रहे होते हैं, संजय देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी गई होती है, और वो ये सारा वर्णन, सारा पूरी कॉमेंट्री, ये सब धृष्टराष्ट्र जी को सुना रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये उनका अपना मत है, वो कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयी भूतो अटल नीतिर मति ममे। ये वो कहते हैं कि ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है। देखिए, अब वो अधर्म के साथ हैं, वो जानते हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है पांडवों के साथ, और वो जानते हैं कि हम सब अधर्म की तरफ हैं, लेकिन उनके भी कुछ अपने नियम थे, उनके भी कुछ अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी थी, जिसके कारण वो जानते हुए भी उनके साथ ही थे, तो अधर्म के साथ थे। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पर अर्जुन है, यानी कि अर्जुन तो हम सब हैं, हम सब
परेशानियों में घिरे हुए हैं और अर्जुन भी परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने उसे समय समय पर उसे बताया कि उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ये सब तो पहले ही मरे हुए हैं, जिन्हें तुम मारोगे और जिन्हें मारने के लिए तुम शोक कर रहे हो, ये तो इन्हें तो मैं पहले ही मार चुका। तो भगवान ने उसे समय समय पर उपदेश दिया अर्जुन को। तो हम सब अर्जुन हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर अर्जुन है, यानी कि अर्जुन यानी कि वो लोग, वो भक्त जिन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो हैं। तो वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर होगी श्री, श्री यानी कि वहाँ पर लक्ष्मी भी होगी, वहाँ पर आपको कभी पराजय नहीं मिलेगी, आप वहाँ पर विजय होगी और वहाँ पर हमेशा आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे ऐसा। और वहाँ की जो नीतियाँ होंगी यानी कि आपका जो विश्वास होगा वो अटल होगी, यानी कि भगवान के ऊपर आपका विश्वास, आप जो भी करेंगे आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे, आपके अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो उस तरीके से जो अटल नीति भी रहेगी, श्री भी रहेगी, विजय भी रहेगा और इस प्रकार आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे अगर आपके साथ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। तो हमेशा बस हमें भगवान की शरण लेना चाहिए और भगवान की शरण लेने का मतलब हर समय बैठ जाना नहीं है, आप अंतर मन में हमेशा कृष्ण का ध्यान रखें कि कृष्ण आप सब कुछ हैं और बाकी आपको जो कर्म हैं आपके वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। जो भी कर्म आप करेंगे कर्मा के द्वारा ही आपके कर्माज ही आपका कार्मिक अकाउंट को अच्छा या बुरा बनाएंगे और फिर जो आपके नेक्स्ट लाइफ होगी वो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाएगी डिवाइन की साइड से कि आप आगे क्या बनने वाले हैं। आपने देखा है कि एक हम लोग एक झलक पाने के लिए तरसते हैं बिहारी जी की, और एक वो व्यक्ति है जो बिहारी जी को तैयार करता है, सजाता है, वो गोस्वामी है जो उनको चंदन का लेप लगाते हैं, उनको इत्र लगाते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, हर समय वो भगवान को देख सकते हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं। तो उन चैतन्य प्रभु का दर्शन करने के लिए हम तरसते हैं। तो ये उनके कोई पूर्व जन्मों के कोई अच्छे कर्म हैं जो भगवान ने उन्हें इतना सुंदर जीवन दिया, या जो भी लोग हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी वैसे होते, तो ये सब उनके अपने कर्मों के फल हैं और उनका अच्छे कर्मों के कारण ही वो आज ऐसी लाइफ जी पा रहे हैं। तो कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में रहकर कर्म करेंगे तो वो हमारे लिए हितकर होगा और हम लाइफ में तरक्की करते चले जाएंगे। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहती थी और मैंने जैसे भी करके बनाया। तो थैंक यू एवरीवन।